गाइस, अगर आप चाहते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फैज़ान अहमद। आज का टॉपिक है जावा नेमिंग कन्वेंशंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। नेमिंग कन्वेंशंस एक्चुअली गाइडलाइंस हैं या फिर सजेशंस हैं जो प्रोग्रामर्स को फॉलो करने चाहिए, लेकिन इनको फॉलो करना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए इनको रूल नहीं बोलते, कन्वेंशन बोलते हैं। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोड्यूस कंसिस्टेंट एंड रीडेबल कोड, यानी कि कोड कंसिस्टेंट रहता है और रीडेबल रहता है। आपने ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बनाया और ग्रुप मेंबर्स ने कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया, यानी अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफायर की नेमिंग की, क्लास नेम अपने अकॉर्डिंग रखा, मेथड नेम अपने अकॉर्डिंग रखा, तो जब कोई उस पूरे कोड को एक साथ पढ़ेगा तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से अगर आप अकेले कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हो, फिर 6 महीने बाद उसमें कोई अपडेट करना चाहते हो, और अगर आपने कन्वेंशंस यूज़ नहीं किए हैं तो आइडेंटिफायर्स को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ करने चाहिए। तो अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया था आइडेंटिफायर, वो क्या होता है? नेम्स यूज्ड फॉर क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, यानी कि क्लासेस, मेथड्स और वेरिएबल के लिए जो नेम्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो जब आप आइडेंटिफायर्स यानी कि क्लास, वेरिएबल, मेथड की नेमिंग करोगे तो आपको एक रूल याद रखना है कि इनके नेम्स कीवर्ड से मैच नहीं होने चाहिए। जावा में कुल 51 कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को छोड़कर आप कोई भी नेम क्लास, वेरिएबल और मेथड के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से जावा कैमल केस को फॉलो करता है। कैमल केस का मतलब है अगर किसी नेम में 2 वर्ड्स हैं तो जो सेकेंड वर्ड होगा वो हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट होगा। कैमल केस क्लियर हो गया। अब चलिए क्लास नेम कन्वेंशंस देखते हैं। क्लास नेम को अपर केस लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, क्लास नेम नाउन होने चाहिए, क्लास नेम में एक्रोनियम्स और एब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। एग्जांपल, क्लास एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का ई कैपिटल है, एम्प्लॉई नाउन है और एम्प्लॉई एक्रोनियम्स या फिर एब्रीविएशंस नहीं है, तो ये क्लास नेम कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्लास स्टूडेंट नेम, इस नेम में 2 वर्ड्स हैं, एक है स्टूडेंट, दूसरा है नेम, तो स्टूडेंट का एस कैपिटल है, ये क्लास नेम कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है, और नेम का एन कैपिटल है, ये कैमल केस को फॉलो कर रहा है। तो क्लास नेम कन्वेंशन और कैमल केस क्लियर हो गए। अब चलिए मेथड नेम कन्वेंशंस देखते हैं। मेथड नेम को लोअर केस लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, मेथड नेम वर्ब होने चाहिए और मेथड नेम में भी कैमल केस फॉलो होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कैमल का सी स्मॉल है जबकि केस का सी कैपिटल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैमल जो है यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वो मेथड नेम कन्वेंशन को फॉलो करेगा जबकि सेकेंड वर्ड वो कैमल केस को फॉलो करेगा। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं, क्लास एम्प्लॉय वॉइड ड्रॉ, ये जो ड्रॉ है ये मेथड है, तो आप देख सकते हैं ड्रॉ जो है ये वर्ब है और ड्रॉ का डी ये लोअर केस लेटर है। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें कैमल केस का यूज देखेंगे, क्लास स्टूडेंट नेम वॉइड रिजल्ट डेट, तो ये जो फर्स्ट वर्ड है रिजल्ट, ये देखिए ये लोअर केस लेटर से स्टार्ट हुआ है और डेट का डी कैपिटल है क्योंकि ये कैमल केस को फॉलो कर रहा है। तो ये थे मेथड नेम कन्वेंशंस। अब चलिए वेरिएबल नेम कन्वेंशंस देखते हैं। वेरिएबल नेम शॉर्ट होने चाहिए लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए। इसी तरह से वेरिएबल नेम स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। इसी तरह से 1 कैरेक्टर वेरिएबल नेम को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन टेम्परेरी वेरिएबल्स जैसे कि लूप काउंटर में 1 कैरेक्टर वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल, क्लास एम्प्लॉय इंट आईडी, ये जो आईडी है ये वेरिएबल नेम है और आप देख सकते हैं ये कितना शॉर्ट है लेकिन मीनिंगफुल है। पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी इस वेरिएबल नेम का यूज़ होगा वहाँ पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी की बात हो रही है।
एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लास स्टूडेंट नेम इंट रोल नंबर, ये रोल नंबर भी वेरिएबल नेम है और आप देख सकते हैं नंबर का इन कैपिटल है, क्यों? क्योंकि ये कैमल केस को फॉलो कर रहा है। तो ये थे वेरिएबल नेम कन्वेंशंस, जिन्हें हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। इनके अलावा नेमिंग कन्वेंशन इंटरफेस और पैकेज के लिए भी यूज़ होते हैं। तो चलिए इंटरफेस नेमिंग कन्वेंशंस देखते हैं। इंटरफेस नेम हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, इसी तरह से इंटरफेस नेम एडजेक्टिव होना चाहिए और इंटरफेस में भी कैमल केस को फॉलो करना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, इंटरफेस लिस्ट, तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में एल कैपिटल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इंटरफेस फी डिटेल, तो फी में एफ कैपिटल है, ये इंटरफेस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है और डिटेल का डी कैपिटल है, ये कैमल केस को फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो ये थे इंटरफेस नेमिंग कन्वेंशन। अब चलिए पैकेज नेमिंग कन्वेंशन को देखते हैं। पैकेज नेम को लोअर केस लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, इसी तरह से अगर नेम में मल्टीपल वर्ड्स हैं तो वर्ड्स को डॉट से सेपरेट करना चाहिए, यानी कि जैसे कि हम कैमल केस यूज़ कर रहे थे ना बाकी में, इसमें कैमल केस का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बीच में डॉट लगाएंगे और नेक्स्ट वर्ड को भी स्मॉल लेटर से ही या लोअर केस लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल पैकेज रिजल्ट, यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट किया है जिसका नाम रिजल्ट है। पैकेज हमेशा क्लास के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं या फिर इम्पोर्ट किए जाते हैं। इम्पोर्ट का मतलब है जो पहले से डिफाइंड पैकेज हैं जावा में उनको हम इम्पोर्ट भी करते हैं। तो एक इम्पोर्ट करने का एग्जाम्पल देखते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग। यहाँ पे देखिए पैकेज में दो वर्ड थे, एक था जावा दूसरा था लैंग, तो इनको डॉट लगा के सेपरेट किया है। क्लियर है? ये है पैकेज इम्पोर्ट करने का एग्जाम्पल और ये है पैकेज क्रिएट करने का एग्जाम्पल। लेकिन चाहे पैकेज इम्पोर्ट करिए या फिर क्रिएट करिए, दोनों सिचुएशन में पैकेज क्लास के ऊपर ही रहेगा। तो पैकेज क्लियर हो गया। तो ये थे जावा नेमिंग कन्वेंशंस। होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।